लेफ्ट दिखा। अरे शांत हो जा भाई, अल्लाह मत बचाओ। ये देखो भैंस ना रही है, भैंस देखो वो दौड़ रही है, देखो। और ये पता मस्ती में आ जाती है। तो ये इस गांव का बस अड्डा है, बस ये बस अड्डे में उतर के ये अपने गांव का रास्ता अंदर की ओर। हाँ, अब कहाँ जाना है गाइस? बात ऐसी है कि लास्ट व्लॉग में हम लोग कुंभा में थे, कुंभा से निकल रहे थे, सीमा को बाय बोला, प्रमोद को बाय बोला, गांव से निकलते ही हमने लेफ्ट लिया, राइट जाके हासी आता है और लेफ्ट जाके दिल्ली की ओर। हर गांव के बाहर एक पॉन्ड होती है, एक लेक होती है, जो मैं आपको पिछले पूरे गांव वाली सीरीज में बताता हूँ, जो मैं अच्छी बात लगती है। तो वहाँ पे अभी सर्दियाँ थी, बट धीरे धीरे आप टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो दोपहर में अपनी भैंसों को नहाने लोग ले जाते हैं। तो अब रशि को दिखाते, रशि वो देखो भैंस नहा रही है, वो देखो ये हो रहा है, वो देखो वो हो रहा है। और आगे जाके ही एक बंदा, दो भैंसे पानी में जाने रही थी तो उसके साथ वो खेल रहा था, तो हमने कहा कि हम लोग हंसी मजाक चला था। बेब्स कम ऑन। उससे थोड़ा आगे चलोगे, 10 मिनट आगे गए होंगे, तो उस रोड पे आपको पता है कि जैसे ट्रैक्टर में या फिर गांव में या शहरों में भी जब भूसा या कुछ भरते हैं तो कितना ओवरलोड कर देते हैं ट्रैक्टर्स को, ट्रक्स को, मतलब कभी कभी तो पतली सड़क में ट्रैक्टर के बगल से गाड़ी निकालने में डर भी लगता है कि पलट ना जाए कहीं। थोड़ी आगे हम लोग गए, हमको लगा एक ट्रैक्टर रोड के किनारे खड़ा हुआ है और वहाँ पे 3-4 लोग, एक मोटरसाइकिल गिरी हुई है, हमको लगा नॉर्मल सा एक्सीडेंट हो गया होगा जैसा होता है। बट हम लोग जैसे पास वहाँ पे गए, हमने थोड़ी सी गाड़ी स्लो की क्योंकि आसपास कुछ था नहीं, मतलब मे बी दे नीड सम हेल्प, तो हमको हाथ दे के रोकने लगे। बैठा 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 बैठा, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार रुक जा रुक जा, तू पीछे 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 पीछे, बैठो बैठो, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का है, पीछे 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 उठा, पीछे बैठा, जल्दी आ जल्दी आओ। अरे यार, अरे यार पैर आगे रख लो, पैर आगे रख लो, आप आगे बैठा 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 बैठा, आप आगे चलो, आप आगे चलो, चलो आगे। बट दीदी बस पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। बस पहुंच जाए पहुंच जाएंगे। अरे भैया बहुत दूर है, टाइम नहीं है ना। हम लोग ने गाड़ी बिठा के, गाड़ी में उनको बिठाया, हमने कहा तू जल्दी बिठा, उनको जल्दी बिठा, बिकॉज इतनी अर्जेंसी उनके चेहरे पर देखे हमें लग गया कि भाई दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाइफ और डेथ। तो मुझे पता नहीं था कौन लोग हैं, मैंने कहा कोई भी है जिसको फटाफट गाड़ी बिठा लेके आते हैं। अब एक चीज़ मैंने नोटिस की और रियलाइज़ की कि ऐसी सिचुएशन आप कितने भी काम इंसान हो, मैं अपने आप को थोड़ा काम इंसान मानता हूँ, लेकिन हाँ थोड़े पैनिक आप कर जाते हो, तू ज़्यादा पैनिक कर गई थी। और उनके साथ जो थे मुझे पता नहीं था कौन था, बाद में था उनके हस्बैंड थे, वो भी बहुत पैनिक कर रहे थे, एंड यू ऑलवेज मेक रॉन्ग डिसीजंस इन दैट पैनिक सिचुएशन। अब मेरा क्या था, मैंने कहा रितु फर्स्ट थिंग वी हैव टू गो इज यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल। देख वो लोग कहते हैं रोहतक जाएंगे रोहतक जाएंगे, मैं अगर रोहतक सर यहाँ से 1 घंटा दूर है रोहतक तक जाएंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है, शायद हम इनको ना बचा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खून था इनका। तो मैं कहता पास का हॉस्पिटल होता है, भले ही छोटा हॉस्पिटल हो एटलीस्ट दे कैन गिव देम फर्स्ट एड या सही एडवाइस कर देंगे कि भाई क्या है। तो उनके साथ दो लोग और थे आगे बाइक में, तो उनको हम फॉलो कर रहे थे, और उनके जो हस्बैंड पीछे बैठे थे वो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस कि हॉस्पिटल जाना है कहाँ जाना है, ही वॉज बिजी कॉलिंग हिज फैमिली मेम्बर्स कि उनको बुला रहे थे कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो वो भी उनकी बात समझता हूँ मैं, क्योंकि अगर शायद मैं उनकी जगह था मैं भी ये करता, क्योंकि थोड़ा सा आप पैनिक कर जाते हो, आपका दिमाग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता कि इस समय क्या जरूरी क्या जरूरी नहीं है। यार इसको भाभी है, इसको लेके जाना जरूरी। भैया आप फोन रखो एक बार, मेरे को मेरी बेबे की सासू गुजर गई, मेरे को फोन दे, मेरे को फोन यार। अरे भैया फोन दो, सो गए बटन क्या भई रहे आप, हमें आ जाइए। अरे जींद नहीं है तो फोन दो मेरे को आप। हेलो भैया, अभी हम हैं कुंभा, ठीक है, इनको ब्लीडिंग हो रही है, आप ये बताओ सबसे पास हॉस्पिटल कौन सा होगा। 112 फोन लगाओ यार, 100 नंबर पे कॉल करो ना। आसी भी है, मैम भी है, आसपास कौन सा बड़ा हॉस्पिटल किधर और किधर है, लेकिन हम भैया वो तो हम अलग भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं। आप मैं तेन बताओ मैम, मैं कोई बड़ा हॉस्पिटल है मैम जी रोहतक भैया हॉस्पिटल है। चलो 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 भैया, एक यार गाँव में है, इनको जरूरी भैया इनको जरूरी हॉस्पिटल कराना है, हॉस्पिटल जाना जरूरी है पहले, वो समझो आप, नहीं तो इनकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, बाकी चीजें बाद में, पहले ब्लीडिंग रुकेगी। भैया आ गया हॉस्पिटल, आ गया यार, भागो लेके चलो भैया, ऐसे ही हॉस्पिटल पहुंच गया, रुक जा भैया, भागो पहले भागो भागो भैया, एक पेशेंट है, इमरजेंसी है, पूरा यहाँ खून का फट गया है भैया, एक ब्लीडिंग हो रही बहुत ज्यादा, उनको एक्सीडेंट हो गया रोड पे।
पूरा ये टांग पूरी टांग फट गई है। डॉक्टर साहब, अगर सबसे पास कौन सा पड़ेगा? तुरंत ले झांसी बैठो। चलो आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, फर्स्ट एड कुछ देना देंगे आप? एकदम मोड दिया। हुआ क्या भैया, हुआ क्या? जैसे हम सीधी मोटरसाइकिल चला रही थी, हाँ, उसने एकदम ट्रैक्टर नून था इस साइड तेरे नून मोड़ दिया। अगला भैया हम लग गए, अरे पतली ट्रेली आई वहाँ पहुँच के बहुत ज्यादा हमारी हेल्प कर दी। हम लोग सौरभ जोशी से मिलने गए थे, उसके फादर को मैंने कॉल किया कि वो खांसी से हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प कर दी, उनके हेल्प के बनाया शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थैंक्स टू सौरभ एंड सौरभ जोशी, सौरभ फादर फॉर। बट वहाँ जाके भी वो भैया ना थोड़े से उस जोन में थे कि क्योंकि उनको वहाँ जाके हमने बोला कि एक डिसीजन, उनको लगा कि हम भी उनके परिवार वाले हैं, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी है या आप पहले इसमें ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि पुलिस कंप्लेन ट्रीटमेंट होने के बाद नहीं स्टार्ट हो पाएगी। अगर आपको पुलिस कंप्लेन नहीं करनी तो हम ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज अगेन कन्फ्यूज, ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज फैमिली मेम्बर्स कि क्या करना है कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा भैया अपने टाइम मत वेस्ट करो आप, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर वाले मारा था वो तो भाग ही गया, भैया के पास ना उसका नंबर था ना कुछ था, ना गाड़ी का नंबर था, तो उन्होंने घबराहट में नहीं लिया, तो वो तो ट्रैक करना मुश्किल। मैंने कहा प्लीज आप पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो भैया, स्ट्रेचर मंगवा दो, एक्सीडेंट केस है। अच्छा आ, चलो ले जाओ इसको आराम से आराम से आराम से आराम से। ऋषि आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो बेटा, आराम से आराम से आराम से। हाँ भाभी हाथ लगा ले, क्या हुआ, ज्यादा खून निकल रहा है क्या, ज्यादा खून निकल रहा है क्या? ये भगवान मदद करेगा। हाँ अभी एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग अभी गर्ग हॉस्पिटल आए, यहाँ पे सौरभ भाई भी आए, सौरभ के पापा भी आए, उन्होंने अरेंज करा दिया था यहाँ पे पहले से एक स्ट्रेचर बेड। पहुँच गए अंकल? ठीक है, सिर्फ जो है इसकी अल्ट्रासाउंड करा लेना है, पेट की पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ लगा होगा। थैंक यू सौरभ, थैंक यू भाई। तो सौरभ भी आ गए फटाफट, सौरभ के पापा भी आ गए, उन्होंने सब काम करा दिया, यहाँ पे जानते थे पहचान थी इनकी, तभी सारा काम ठीक हो चुका है। आ जाओ बैठो बैठो। अच्छा अंकल ऋषि, आंटी को चोटी लग गई थी तो आंटी को हमने कहाँ ले गए? ठीक है हॉस्पिटल। इसी हमेशा कहते हैं हेल्प अदर्स, शेयर अदर्स। हाँ बोलो। आंटी को लेग में चोटी लग गई थी, बट अब आंटी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने हॉस्पिटल में भेज दिया ना, ऋषि ठीक हो जाएगी। ऋषि आपको ऐसे कोई भी मिले ना जिसको हेल्प की नीड हो, हमेशा हेल्प अदर्स। हाँ सुनो, ट्रैक्टर के नीचे आ गई थी, ट्रैक्टर से उई हो गई थी, बट अब ठीक है। ये ट्रैक्टर का टायर है ना वो उनके ऊपर से चला गया था। वहाँ जब जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा रियलाइज किया जो कि जीवन का सत्य है। हिज वाइफ, बाय द टाइम आई डिडंट नो कि उनकी वाइफ है वो, एक बच्चा उनके पास था छोटा, छोटी लड़की, एक बड़ी लड़की थी शायद घर पे थी, कहाँ पे थी आई डोंट नो, बट ही वाज शी वाज स्क्रीमिंग कि मुझे अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दो एक बार, मुझे अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दो एक बार। हर हस्बैंड, जैसे आपको लगता होगा कि हाँ हस्बैंड वाइफ में शायद अब उतना प्यार नहीं रहा, उतना वो नहीं रहा, बट ये मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया ना, आई केम टू कंक्लूजन कि हाँ जब रितु की सिस्टर है सीमा, उनके हस्बैंड को एक बार हार्ट अटैक आया था, देन सीमा सडनली वन थिंग, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब सीमा को कोविड हुआ था देन हर हस्बैंड हनी भैया ही सेड द सेम थिंग, रितु इसको बचा ले, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। एंड व्हेन दैट थिंग हैपेंड, दैट गाय, मतलब वो ऐसा बंदा लग रहा था कि हाँ, मतलब ज़्यादा प्यार या रोमांटिक नहीं था, ही वॉज क्राइंग एंड ऑन द फोन ही वॉज सेइंग टू हिज फैमिली कि इसके बिना मेरा कोई नहीं है।
तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा होता है जो कि खून का रिश्ता नहीं होता, बट ओवर द ईयर्स वो उतना ही स्ट्रांग रहता है जितना खून के रिश्ते स्ट्रांग होते हैं।